शहर में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूसरे दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को नगर परिषद सामुदायिक भवन बापू नगर में आयोजित शिविरों में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने एवं पात्र लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जागरूकता के साथ योजनाओं में पंजीयन कराकर लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक प्रचार प्रसार एवं पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुआयामी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आईसी वैनों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की जन जागरूकता गतिविधियों एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वंचितों को लाभान्वित करने के लिए लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और आमजन से अधिकाधिक संख्या में आयोजित शिविरों में लाभ लेने के लिए आह्वान किया। भारत संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है और जिस प्रकार जनता भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत ही उत्साहित होकर कैंप में भाग ले रही है, निश्चित रूप से ये जो कैंप है जो योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति है उन तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध हो रही है और लोक कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और भीलवाड़ा शहर की जनता, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत दूसरे दिन भीड़ ज्यादा है और आपके सब पार्षद भी जागरूक दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद, प्रत्येक कार्यकर्ता जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना की है उसको अमली जामा पहुँचाने के लिए कृत संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता उसके लिए प्राणपण से लगे हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे दिवस में आज हमारे दो कैंप आयोजित हो रहे हैं, एक बापू नगर में, एक स्नातक खेड़ी में। और कल जो कैंप हुए थे उसमें 700 लाभार्थी आए थे, उनको लाभान्वित मिला था। और अभी आज बापू नगर में लगभग 700 के लगभग है जो लाभार्थी अभी तक, जबकि अभी आधा दिन पूरा हुआ है, आ चुके हैं और उनको विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया है। जैसे हम पीएम स्वनिधि की बात करें तो कल हमारे 56 और 108 लाभार्थी हुए थे, लेकिन यहाँ अभी 80 के आसपास है जो लाभान्वित रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आज मौके पर एडीएम मैडम भी मौका निरीक्षण किया, क्या निर्देश दे दिए? एडीएम मैडम ने कल भी है जो सभी काउंटरों पर अवलोकन किया था और आज भी इसे आयुक्त महोदय और एडीएम साहब और एडीएम मैडम ने, और इन्होंने अभी कहा कि अधिक से अधिक लाभान्वित आए और सभी काउंटर्स पर जाके उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की और कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं और सबसे सलीके से और उनसे आराम से बात करके और व्यक्ति को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तुम नाम तर है, क्या पद अभी कार्यक्रम? मैं अमृतलाल खोईवार, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, नगर परिषद। शिवम कार बाजार उदयपुर का सबसे भरोसेमंद कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट कार्स। हमारे यहां पर सर्टिफाइड यूज्ड कार्स फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है, आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। शिवम कार बाजार के साथ खरीदिए कार और शिव नारायण रेबारी के यहाँ एक बार जरूर पधारे। उदयपुर शिवम कार बाजार, आरके चौराहे, शुभागपुरा रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9829410722, 9610012221।